बच्चों, आज हम जो है लेसन और चैप्टर एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या है और हम बच्चे बुक तो पहले यहाँ पर दे रखा है। तो पेज नंबर आप जो है आएंगे, पेज आ जाइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है रखा है, रखा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस एंड द डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स स्टार्टिंग कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं सभी प्रोग्राम को भी ऑपरेशन जो भी प्रोग्राम के द्वारा तो कार्य होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कार्य लेता है। और हम बात जो है जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम बाध्य करता है। बाद दे रखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन दैट कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ द हार्डवेयर डिवाइस ऑपरेटिंग दैट अलाउ यू टू रन। तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है और निर्देश देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल कार्य करता है। इसके वैन यू स्टार्ट ए कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोड कंप्यूटर। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डेटा को लोड करता है और कॉपी करता है मेमोरी में, एक स्थान से दूसरे कॉपी करता है। हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी होती है, डाटा आप इसमें किसी भी रिपोर्ट की तो वीडियो किसी भी तरह स्टोर। उस पर रखा है यहाँ पर कंप्यूटर भी कोच सेट द स्टैंडर्ड फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन इट। कंप्यूटर सिस्टम है ये सेट करता है प्रोग्राम को, एप्लीकेशन प्रोग्राम को, जैसे ये है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, डोस है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, है? मैन होते हैं इसमें है कि डोस को बता दिया है क्या करता है, ये क्या करता है भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है सेट करना और हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उन्हें करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी जो प्रोग्राम होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम इज टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग ए कंप्यूटर इट्स डिवाइस और इट्स प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म दिस फंक्शन इन फाइल्स, कंप्रेसिंग फाइल्स, स्कैनिंग, स्कैनिंग के बाद डिस्क डायग्नोस प्रॉब्लम्स, सॉफ्टवेयर बैकअप फाइल्स एंड चेकिंग वायरस। यूटिलिटी जो प्रोग्राम होता है वो परफॉर्म करता है फंक्शन को व्यू करना, फाइल को व्यू करना, व्यू करना जैसे जूम करना, फाइल को स्कैनिंग करना, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरह की सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में प्रॉब्लम को दूर करना, अनइंस्टॉल करना, न्यू के बाद फाइल अगर आपके डेटा डिलीट हो जाता है उसको क्या करना, बैकिंग अप करना, बैकअप करना फाइल को, फाइल को वापस लाना, फिर वायरस को चेक। आपने पढ़ लिया होगा यहाँ पर, यह रखा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो 8 वो है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखा है एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म टास्क फॉर यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर होता है, रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस फ्लाइट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं प्रोग्राम द्वारा। देखिए एप्लीकेशन कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस टूल्स, बिजनेस संबंधित, जैसे किसी कंपनी का बिजनेस है प्रोडक्ट को क्या करता है कंप्यूटर पर अपडेट करता है सॉफ्टवेयर, आप तो वहाँ पर क्या करेगा रिपोर्ट अपडेट करेगा कितना परचेज हुआ, कितना सेलिंग हुआ प्रोडक्ट सब। नंबर टू में देखिए ग्राफिक्स एंड मल्टी ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कार्ड और लोगो पोस्टर बैनर सब तरह के वाली सब तैयार होते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर होता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है जैसे ऑडियो सॉफ्टवेयर होता है एडिटिंग करना। बाद नंबर थर्ड में देखिए सपोर्ट हाउस होल्ड एक्टिविटी फॉर एजुकेशन संबंधित सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें रिकॉर्ड अपडेट करना फादर नेम टू फैसिलिटेट सूचनाओं का आदान प्रदान करना समझ लिया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बाद रखा अपन रखा है दीज फोर कैटेगरीज आर नॉट इक्वली इक्वली एक्सक्लूसिव, ईमेल सपोर्ट प्रोडक्टिविटी सपोर्ट सॉफ्टवेयर सुइट कैन इंक्लूड वेब पेज अथॉरिटी एंड लीगल सॉफ्टवेयर कैन बी यूज बाय बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बट इज इसमें फोर कैटेगरी में इसको भी काटा गया है, ठीक है, और ये ईमेल सपोर्ट करता है और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं वेब पेज तो इंटरनेट ऑनलाइन भी आप कार्य कर सकते हैं और ऑनलाइन ही वो सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं। उसके बाद ये कानूनी सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी कंपनी द्वारा यूज होते हैं। बट टैली जो सॉफ्टवेयर होता है टैली जो है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें लेन देन भी होता है और डेबिट और क्रेडिट का पैसा आया कितना गया उस होता है उसमें, और जो है कि किसी कंपनी का रिकॉर्ड प्रोडक्ट सप्लाई हुआ वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं वहाँ के एम्प्लॉयर हैं उनकी सैलरी बनी वो सब रिकॉर्ड टैली सॉफ्टवेयर, ठीक। इसके बाद लाइन वेव, लाइन वेव है लाइन वेव पर दे रखा है लाइन वेव लाइन वायर रेफर्स टू होम लाइन कंप्यूटर ऑपरेटर्स। लाइन जो आ रहा है वो रेफरेंस ऑपरेटर्स एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम जैसे होते हैं वो कंपनी ही यूज करती है, कंपनी प्राइवेसी यूज करती है यानी किसी के डेटा को देख सके ना उसको, तो क्या होते हैं लाइन कनेक्ट के माध्यम मेमोरी ने कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी प्राइमरी मेमोरी रैम रोम, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी वैसे मैग्नेटिक होती है उसमें जो है हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क एक होती है कौन सा होती है इसमें डेटा सेकेंडरी स्टोरेज है इसमें डेटा परमानेंटली की तरह एक स्टोर होता है काफ़ी डेटा स्टोर रहेगा ऑडियो वीडियो ऑप्टिकल डिस्क होती है 700 MB तक डेटा ले सकती है डिजिटल वर्जिटल डिस्क बोलते हैं और डिजिटल का देखिए प्राइमरी मेमोरी में रखा है प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है प्राथमिक। इसके बाद देखिए प्राइमरी मेमोरी इज द मेन एरिया इन ए कंप्यूटर इन विच डेटा इज स्टोर्ड फॉर क्विक एक्सेस बाय कंप्यूटर प्रोसेसर इन अदर वर्ड
डायरेक्टली अच्छी सी बात। प्राइमरी जो मेमोरी होती है एक मैन में आपको स्टोर करती है, एक्सेस करती है, जो प्रोसेस एक्सेस करता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में दे रखा है नंबर की मेमोरी होती है रखा है सेकेंडरी जो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी, कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू बट स्टोन लेटर यूज बट सीपीयू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली। क्या कहता है, सेकेंडरी जो मेमोरी होती है नंबर की मेमोरी, ये डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है, सीपीयू के द्वारा ही प्रोसेस होता है डेटा का जो स्टोर करना होता है, जैसे परमानेंटली इन्फॉर्मेशन परमानेंटली इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। बाद आगे आइए आप, ये है रैम है रैंडम एक्सेस, ये है रीड ओनली, ये द रोम रीड ओनली रीड मेमोरी। देखिए रेम इज द पीस ऑफ मेमोरी वेयर द प्रोग्राम एंड फाइल्स यू आर यूजिंग वन स्टोर, रेम जो पीस रेम द पीस ऑफ मेमोरी है प्रोग्राम प्रोग्राम एंड फाइल को यूज करती है एक बार में स्टोर करती है। इसके बाद रोम रीड ओनली मेमोरी इज द प्लेस वेयर डेटा दैट यू कैन नॉट आफ्टर, रोम जो है वहाँ पर डेटा को कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डेटा को स्टोर कर देगी। इट इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरी दैट कैन बी रीड विदाउट हैविंग बिगिन एट द फर्स्ट एड्रेस देन द थर्ड एंड सो। अब इसमें ये फॉर्म ऑफ मेमोरी होती है, ये कैन बी रीड करती है विदाउट हैविंग की फर्स्ट एड्रेस होगा पहला एड्रेस और थर्ड एंड सुन। जो रैम जो मेमोरी होती है पढ़ने लिखने का काम, उसके बाद ये डेटा को उसी समय के लिए स्टोर करती है, डेट चली जाती है तो उसके बाद डेटा होता है डिलीट हो जाता है। बाद इट इज एग्जैक्टली द नेम प्लाइस इट कैन ओनली बी रीड नॉट रिटेन टू, इसमें कहा गया कि इसे पढ़ने का काम करती है लिखने का काम नहीं करती। तो रोम होती है रोम पढ़ने का काम करती है लिखने का काम, ये इट इज परमा टेम्प्रेरी मेमोरी है, ये अस्थाई मेमोरी होती है और ये परमानेंटली मेमोरी डेटा को क्या करती है परमानेंट। पूरा लेसन हो गया है इतना ही, आगे नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे फिर से।